हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स फील्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है क्लास 11th की अकाउंट्स। ओके, तो अकाउंट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो शायद ही आप में से सभी लोगों को पता है। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं और स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास 11th में जो है प्रमोट कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब तक अपनी स्ट्रीम चूज भी कर ली है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम जो है लेनी है। तो जिन लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है उनका इस फील्ड में मोस्ट वेलकम, और बाकी सभी स्टूडेंट को भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर न्यू सेशन। ओके, तो जैसा कि आपको पता है 11th 12th क्लास जो है हमारी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से, आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कुछ बच्चों की स्टार्ट हो भी गई होंगी या फिर अगर नहीं हुई है तो आपकी स्टार्ट होने वाली होंगी। तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से रेगुलरिटी बनाए रखिये। अब क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है बच्चे जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, वो बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को। तो और ऑफलाइन की भी अगर हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ढंग से पढ़ते नहीं है और एट लास्ट उनकी कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है कि ऐसे टाइप की वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं कि काश जो है एग्जाम कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन हो जाए। ओके, तो आप लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो स्टार्टिंग से रेगुलर अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आप उनको सीरियस लेके पढ़ाई कीजिए। ओके, इसके साथ साथ मैं एक और गुड न्यूज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, हमारा एक और चैनल है गाइड ऑफ मेड टेक। तो वो चैनल हमारा काफी पहले ही मोनेटाइज हो गया था, तो आज उस चैनल से हमने अपनी फर्स्ट अर्निंग जो है अर्न कर ली है। तो आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा थैंक्स जिन लोगों ने उस चैनल को सपोर्ट किया, और उनकी वजह से ही जो है आज हम अपनी जो है फर्स्ट अर्निंग जो है अर्न कर पाए। ओके, तो जितना सपोर्ट आपने उस चैनल को किया था इतना ही सपोर्ट आप हमारे इस चैनल को भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो अब जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। ओके, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है 11th क्लास का, तो आप आगे भी अगर इसी फील्ड में रहेंगे, जॉब करेंगे, तो आप आगे आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपके जो है बेसिक क्लास 11th के कॉन्सेप्ट जो है आपके अगर बिल्कुल स्ट्रांग है। ओके, तो सब्जेक्ट के अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करें उससे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में आज कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है ये अकाउंट्स, अकाउंटिंग, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक क्या बोला है कि अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अकाउंटिंग हमारी जो है डेली एक्टिविटी का, डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप सब, इवन आप अपना भी अगर देखें, अपना भी एग्जांपल अगर आप लेके चलते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जो है अपने डे टू डे लाइफ में जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं अभी, तो यहाँ पर ये एक गर्ल स्टूडेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस गर्ल को जो है उसकी पॉकेट मनी मिलती है 1500 पर मंथ। उसने अपनी एक तरफ लिखी है जो भी इसकी सारी रिसिप्ट्स हैं, और दूसरी तरफ इसने लिखी है जो भी इसके खर्चे हैं, जो भी ये पेमेंट करती है। ओके, तो रिसिप्ट साइड में इसने दिखाया कि इसकी जो पॉकेट मनी है वो है 1500 पर मंथ। ओके, और ये इसके कुछ खर्चे हैं, तो फ्रेंड्स के साथ ये ट्रिप पे जाती है, इसके लिए इसको 800 चाहिए, कैंटीन एक्सपेंसेस हैं इसके 200, और कुछ स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं 150, और इसके अलावा बाकी के अदर एक्सपेंसेस हैं इसके 300 कुछ। ओके, तो ये सब इसके खर्चे हैं और इसको मिल रहे हैं 1500 रुपये। तो यहाँ पे अगर ये अपने सारे खर्चों को माइनस कर दे तो इसके पास रिमेनिंग बैलेंस बचता है 50 रुपये। ओके, तो ये 50 रुपये इसने जो है अपनी पॉकेट मनी से सेव करे हैं, तो यहाँ पे ये इसकी जो है इनकम हो गई है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी हम यही करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम करते हैं चीज़ें बिजनेस में, हम उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
ओके तो अकाउंटिंग में सिर्फ यही चीज़ है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, यहाँ पे तो हमने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, अब आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हर किसी की लाइफ में अकाउंटिंग है। चाहे आप कोई स्कूल ले लीजिए, वहाँ पे भी हम अकाउंटिंग करते हैं, कॉलेज ले लीजिए, कंपनीज वगैरह में तो होती है। आप अपना इंडिविजुअल का भी अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही आप अपनी फैमिली में किसी और का एग्जाम्पल लेके देखिए। जैसे आपके मान लीजिए फादर हैं, वो पर मंथ जो है वो उनको सैलरी मिलती होगी, अब उस सैलरी में उनके कुछ खर्चे होते होंगे, जैसे आपकी स्कूल फीस उन्हें भरनी होती है, घर के कुछ इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ओके और फिर उसके अलावा वो कुछ कहीं इन्वेस्ट, कहीं सेविंग्स भी करते हैं, मतलब अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट सेव करके कहीं बाहर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो ये सब भी उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग है। वो भी इस चीज़ का जो है अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ इतने इतने उनके खर्चे हैं, यहाँ यहाँ उसने जो है उन्होंने जो है सेविंग्स करी हैं, ओके तो इस तरीके से हम जो है इस वजह से जो है हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, विदाउट अकाउंटिंग अब हम अपनी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ओके तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अब ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी के आंसर्स जो हैं पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ओके तो वो क्या क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में आ सकते हैं, वो है व्हेन डिड अकाउंटिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अकाउंटिंग जो है कब एग्जिस्टेंस में आई, क्या आपको ये पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि हाउ डिड अकाउंटिंग कम्स, अकाउंटिंग आई कैसे, फ्रॉम वेयर अकाउंटिंग कम्स, कहाँ से आई, वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, वाई वी आर स्टडिंग अकाउंट्स, ओके कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको अपनी जो है डेली लाइफ में इतना इंक्लूड कर रहे हैं, ओके तो ये सब जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई वी आर स्टडिंग अकाउंटिंग, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में भी लिया, तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है और इसका एक बिजनेस है गारमेंट्स का, ओके ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद ये जो है इन्हें सेल करता है, ओके तो अब इसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अब मैन्युफैक्चरिंग ऐसे तो होगी नहीं, किसी भी आप खुद सपोज कीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, मान लीजिए आप खुद घर पे अपना कोई एक मतलब सूट भी जो है स्टिच करते हैं, तो वो ऐसे ही तो होगा नहीं, उसके लिए आपको कपड़ा चाहिए होगा, उसके लिए थ्रेड चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगी, तभी आप जो है उस सूट को सिल सकते हैं, ओके तो इसका तो जो है मैन्युफैक्चरिंग पूरा बिजनेस ही है गारमेंट का, तो इसके लिए तो इसको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इसको जो है मान लीजिए ये जो हम आपको बेसिक चीज़ें चाहिए जैसे क्लोथ हो गया, थ्रेड हो गया, ये सब जो है आपका रॉ मटेरियल है, इसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके जो रॉ मटेरियल हैं वो इस टाइप से हैं, इसको रॉ क्लोथ्स जो है, कपड़ा जो है वो ये इसका रॉ मटेरियल है, थ्रेड है और इसके अलावा जो बाकी मटेरियल हो गया जो भी मतलब उसको डेकोरेशन के लिए स्टोन्स वगैरह जो भी वो यूज़ कर रहा है, ओके तो ये सब जो मटेरियल है ये परचेज करता है क्रेडिट पे, क्रेडिट में ये परचेज़ करता है ये सब रॉ मटेरियल, वो भी एक पर्सन से नहीं खरीद रहा, रॉ मटेरियल किसी और पर्सन से खरीद रहा है, थ्रेड किसी और से खरीद रहा है और बाकी जो डेकोरेशन का सामान है वो किसी और पर्सन से खरीद रहा है, ओके अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई अकाउंटिंग नहीं है, अगर ये कोई भी अकाउंटिंग नहीं करता, अगर हम लोग खुद इस वर्ड से, इस प्रोसेस से अवेयर नहीं होते तो क्या होता। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर इसने जो है इन सब चीज़ों की कोई नोटिंग नहीं करी, कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे, तो इसके साथ क्या होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ जब इसको पेमेंट करनी पड़ेगी उन सभी लोगों को जिससे इसने जो है उधार में सामान लिया था, तो उसकी सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से होगी, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि
अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ एक पार्टी से, मतलब हमने हाँ सामान खरीद लिया, इसको इतनी पेमेंट करनी है, इसको इतनी करनी है, इसको इतनी। अब उस एक पार्टी से भी जिसने उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसके साथ भी हो सकता है बीच में कभी उसने उसको कुछ पेमेंट कर दी हो, कुछ हाफ अमाउंट पे कर दिया हो, या फिर कुछ परसेंट पे किया हो, या फिर हो सकता है कुछ सामान डिफेक्टिव आया हो और वो उसको वापस करना हो। तो इन सब चीज़ों के भी तो बीच में एडजस्टमेंट होगी। तो वो सब जो है इतनी सारी, और ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल की बात है, ये पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो इसके अलावा, रॉ मटेरियल के अलावा, इसकी काफ़ी सारी मशीन्स होंगी, उन मशीन्स का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाना, और जो भी इसके लेबर्स होंगे उनको वेजेस देना, स्टाफ को सैलरी देना, ये सब भी इसके एक्सपेंसेस होंगे। इन सबको भी तो इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ये कहीं बाहर कहीं इन्वेस्ट करता है, तो इन सब चीज़ों को याद रख पाना किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इतना आसान काम नहीं है। ओके, तो इस वजह से जो है हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग की हेल्प से हमारा जो ये काम है काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ओके, हम यहाँ पे अपने सारे रिकॉर्ड्स, किससे हमने कितना ख़रीदा है, किसको हमें कितनी पेमेंट करनी है, कितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उन सभी चीज़ों की जो है रिकॉर्डिंग हम जो है अकाउंटिंग में करते हैं, ताकि हमसे अगर कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका जो है ईजिली आंसर कर पाएँ बिना कुछ सोचे। ओके, तो ये है मेन अकाउंटिंग का यूज़, किस जिस वजह से जो है हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हाउ डिड एंड फ्रॉम वेयर अकाउंटिंग कम्स, अकाउंटिंग आई कहाँ से और कैसे आई। ओके, तो लगभग ये जो अकाउंटिंग वर्ड है ये 7000 साल पहले जो है आ चुका था। उस टाइम पे कुछ भी डेबिट क्रेडिट, अब तो हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बने हैं, प्रॉपर रूल्स बने हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये आई कहाँ से, यहाँ पे आपको मैप में एक दिख रहा होगा मेसोपोटामिया के नाम से। ओके, एक जगह थी मेसोपोटामिया के नाम से जो अब इराक के नाम से जानी जाती है। ओके, तो यहाँ से जो है अकाउंटिंग आई थी स्टार्टिंग में 7000 साल पहले। मेसोपोटामिया जो है ये एक जगह है जो जिसमें ग्रीक लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मेसो का मतलब होता है बिटवीन और पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो ये एक ऐसी कंट्री थी पहले जो दो रिवर्स के बीच में थी। ओके, इस वजह से जो है इसका नाम पड़ा था मेसोपोटामिया। तो यहाँ से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी। अब जब उस टाइम पे कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं था, ये सब कुछ रूल्स नहीं बने थे, तो उस टाइम पे हम कैसे इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, तो अब हम वो देखते हैं कैसे हम उस टाइम पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। उस टाइम पे इन लोगों की जो मेसोपोटामिया के लोग थे उन लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर की। ओके, तो इसी में जो ये लोग हैं ट्रेडिंग करते थे, जो बार्टर सिस्टम होता है सभी लोगों को पता होगा, तो बार्टर सिस्टम जो होता है वो उस टाइम पे फॉलो किया जाता था और यही इनकी जो है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। तो इसको ये कैसे रिकॉर्ड करते थे, इनके लिए इनका अकाउंटिंग टूल जो होता था, जिस चीज़ को ये यूज़ करते थे सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, वो क्या चीज़ थी, वो थी क्ले। जो क्ले होती है वो उसका यूज़ करते थे इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। कुछ इस तरीके से जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से ये टोकन्स बनाते थे क्ले के। तो क्ले टोकन्स जो है इनको कहा जाता था, जिसका ये यूज़ करते थे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं व्हेन डिड अकाउंटिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, अकाउंटिंग आई कब। तो अकाउंटिंग जो हम अब हम यूज़ कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स के साथ, वो अकाउंटिंग आई थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी 1494 में। ओके, एक पर्सन थे लुका पैक्योली, ओके, जिनको अब हम फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने, ये एक बहुत ही बड़े इटालियन, इटली के रहने वाले थे और बहुत बड़े इटालियन मैथमेटिशियन थे। तो 1494 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जो कि थी ये वाली, सुमा दे अर्थमेटिका। वैसे ये बुक मैथमेटिक्स की थी, इस तरीके से ये बुक थी। तो इस बुक में क्या क्या चीज़ें थी, इस बुक में इन्होंने बताया था अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, प्रोपोर्शन, मतलब मैथ्स के सारे टॉपिक्स थे। इसके साथ साथ इस बुक में, ये एक ऐसी बुक थी जिसमें फर्स्ट टाइम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जो है इन्होंने बताया था।
ओके तो आप लोग अभी कॉमर्स स्ट्रीम में नए हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो ये हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है. ओके डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम सब कुछ हम देखेंगे. तो जो हमारे मतलब आप जो भी अवार्ड्स अब हम यूज़ करते हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट असेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस, वो सब चीज़ें जो है इस बुक में डिस्क्राइब थी जो इन्होंने ये बुक लिखी थी. ओके तो इनकी वजह से ही जो है हम अकाउंटिंग अभी यूज़ कर रहे हैं और एग्जिस्टेंस में आई थी. ओके तो इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे तो अकाउंटिंग हुई और लोग जो है जिसे हम मॉडर्न अकाउंटिंग के रूप में कहेंगे, तो फिर लोग जो है अपने इस तरीके से जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लगे. ओके वो ऐसे जो है लिख के जो है अपने सारे खाते बनाते थे, सारे रिकॉर्ड्स रखते थे. बट फिर जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी और बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, तो एक दिन में एक सिंगल कंपनी में हज़ारों से ज़्यादा एक कई सारी चीज़ें होती है, हज़ारों से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सभी को ऐसे नोट करके उनका रिकॉर्ड रखना एक मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था. ओके तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जिन्होंने हमारा काम बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया. ओके तो कुछ हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में शायद आपको अभी नहीं पता होगा, आपने हो सकता है शायद ही सुने हो. तो क्विक बुक्स, बिजी सॉफ्टवेयर, मार्ग ERP 9, SAP, टैली ERP 9, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स अभी हमारे पास हैं जिसमें हम अपनी सारी अकाउंटिंग सारी बुक्स जो है हम इन सॉफ्टवेयर्स पे रिकॉर्ड करते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स पे मेंटेन करते हैं. ओके तो यहाँ से जो है हमारा काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन चुका है. तो ये था अकाउंटिंग के बारे में, ओवरऑल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है. ओके तो अगली वीडियोस में जो है हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स, बेसिक इंट्रोडक्शन और हम देखेंगे इसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में. ओके अगर आपको कुछ नई चीज़ यहाँ से सीखने को मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. ओके थैंक यू.